हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज फिर से IOC पर चर्चा करने वाला हूं, जिसका कि पूरा नाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इससे संबंधित जो IOC शेयर जब google.com पे सर्च किया गया तो पता चला कि पिछले 28 सेकेंड में टोटल 5,23,00,000 बार सर्च मारा जा चुका है इस वर्ड को। इससे पता चलता है कि ये कितना चर्चित ये शेयर है। बाकी वनडे का प्राइस चार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, किस तरीके का प्राइस चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ये देखने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे कि नेक्स्ट डे अप ट्रेंड बनेगी इस शेयर में। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। दोस्तों, इस कंपनी का स्थापना 30 जून 1959 को हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नंबर ऑफ एम्प्लाइज 31,095 है जो कि 2023 के अनुसार है, रिवेन्यू 8.85 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़ में, और इसका सब्सिडियरीज जो कंपनी है वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी इस शेयर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं screener.in वेबसाइट पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस 165 रुपया शो हो रहा है, मार्केट कैप 2,33,439 करोड़ का, काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है इस कंपनी के। स्टॉक पी 5.59 और बुक वैल्यू 130 रुपया, अपने बुक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है ये शेयर। ROC 21.2% और ROE 25.8%, फेस वैल्यू 10 रुपया, डिविडेंड यील्ड 7.26% और 52 वीक का हाई लो 197 रुपया और 85 रुपया 50 पैसा। तो जिस तरीके का इसका डाटा शो हो रहा है उसके हिसाब से ये अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वन ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, बट बहुत जल्द ही ये अपने टारगेट 200 को पार कर जाएगा मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही करिए दोस्तों। इस शेयर में प्रोज 3 है और कॉन्स कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें गुण ही गुण है, अवगुण कुछ भी नहीं है ऐसा मान सकते हैं। जैसा कि गुण है, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 7.26%, यानी कि डिविडेंड यील्ड जो है पेड किया है तो 7.26% है, और दूसरा है कंपनी हैज़ डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, और तीसरा है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 43.0%। जो डिविडेंड पे आउट किया है बहुत ही अच्छा, यानी कि हेल्दी डिविडेंड है। पीयर कंपैरिजन के मामले में सेकेंड नंबर का कंपनी है इस वेबसाइट पे। फर्स्ट नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका कि पी 28.60 है, जबकि IOCL का PE 5.59 है। तो PE के मामले में ये अभी भी डाउन में चल रहा है। इसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में कितनी वृद्धि हो सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हैं,
जैसा कि सेल्स भी इसका अच्छा खासा है, मार्च 2024 में 1,98,650 करोड़ का सेल्स किया है, वहीं पे एक्सपेंस 1,86,679 करोड़ का। अदर इनकम भी इसके पास में जो कि 1,690 करोड़ का, इंटरेस्ट 2,147 करोड़ का और डिप्रिसिएशन भी है 4,094 करोड़ का। तो ऑयल सेक्टर का कंपनी है, इसके वजह से डिप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा होता है इसमें, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,420 करोड़ का, दिसंबर 2023 के अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो कि 5,488, जो कि दिसंबर 2023 में 9,225 था। तो अगर ये देखते हैं तो इसके अनुसार इसका प्रॉफिट काफ़ी नीचे आ गया है। बट अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी डाउन है। तो इससे प्राइस पे इफ़ेक्ट जो पड़ना था वो तो पड़ चुका है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। वन ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो सेल्स एक्सपेंस अदर इनकम ये सब को देखते हुए मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 57,288 करोड़ का हुआ है मार्च 2024 के अनुसार, जो कि आप देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट 43,161 करोड़ का, जिसके वजह से EPS 29.55, काफ़ी अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि इस शेयर के प्राइस में कितनी ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है। बैलेंस शीट से भी समझ सकते हैं कि इस शेयर में क्या हो सकता है। इक्विटी कैपिटल जहां मार्च 2013 में 2,428 करोड़ का था, वहीं पे अभी मार्च 2024 में 13,772 करोड़ का हो चुका है। रिजर्व इसके पास में अभी 1,69,645 करोड़ का है, जबकि बोरोइंग 1,32,628 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज़ भी है 1,66,318 करोड़ का। और फिक्स एसेट इसके पास में 1,99,713 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा फिक्स एसेट है इसके पास में। और इन्वेस्टमेंट भी 65,542 करोड़ का है। तो ओवरऑल देखने से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी होगी और जिसके पास में रिजर्व भी है और फिक्स एसेट भी है इतना अच्छा, तो उस शेयर का क्या हो सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है कि इस शेयर के प्राइस में चार चांद लगने वाली है। बहुत ही अच्छी पैसा कमा करके देगी ये अपने शेयर धारकों को, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं बार बार याद दिलाता हूँ क्योंकि रुपया आपका है, टाइम आपका है और दिमाग भी आपका ही होना चाहिए। अगर कोई वीडियो बनाता है किसी भी शेयर से संबंधित, तो वीडियो को सुन करके कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जब तक कि खुद को समझ में ना आ जाए कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ये शेयर का कुछ भाग या क्वांटिटी लेना है या नहीं लेना है, इस कंपनी का शेयर लेना है या नहीं लेना है। जब तक आपको खुद को समझ में नहीं आ जाए
तब तक किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करिए। बाकी देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास में मार्च 2024 के अनुसार 51.50% है, जो कि सितंबर 2021 में भी सेम ही था। तो प्रमोटर अपना स्थान बनाए हुए है काफ़ी समय से, और एफआईएच के पास में 8.49% का है, जो कि एफआईएच का थोड़ा सा डाउन हुआ है शेयर होल्डिंग, और डीआईएच के पास में 10.23% है, यानी कि डीआईएच का इस शेयर के प्रति रुझान बढ़ा है। इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि इस शेयर में अप ट्रेंड पक्का बनेगी, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर सोच करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो प्रॉफिट बनने की चांसेस 80% है, 20% ही है जो कि लॉस हो सकती है। लॉस तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है उसके अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स के मामले में भी सितंबर 2021 में 9,55,410 था, वहीं पे अभी मार्च 2024 में 24,28,561 हो चुका है, यानी कि इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ऑयल सेक्टर का कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, और बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसमें कुछ अपना लेवल बना करके रखने से फ्यूचर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। बाकी इस शेयर में लास्ट अपडेट 5 जून का है, जो कि ज्वाइंट वेंचर्स एग्रीमेंट विथ सन मोबिलिटी पीटी लिमिटेड सिंगापुर। तो इस तरीके का न्यूज है जो कि इसके प्राइस पे इफेक्ट डालेगा थोड़ा सा टाइम लेकर के, यानी कि इसका शेयर प्राइस बढ़ेगी, ये उम्मीद लगाया जा सकता है। एक नज़र डालते हैं nseindia.com वेबसाइट पे। तो इस शेयर का प्राइस 165.09 रुपया है, जो कि आज के डेट में 0.54% अप ट्रेंड बनी है। इस शेयर में अभी भी सेल क्वांटिटी लगा हुआ है 1,990 क्वांटिटी का, जो कि 165.21 रुपया पे, और बाई क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। चलते हैं दोस्तों bseindia.com वेबसाइट के नाम है उस पे इस शेयर के प्राइस को देखते हैं। तो 165.25 रुपया, जो कि अप ट्रेंड बना है आज के डेट में 1.15 रुपया, तो काफ़ी अच्छा है इस शेयर के लिए ऐसे टाइम के लिए जब शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रहा हो। यहाँ पर अनाउंसमेंट लास्ट अपडेट न्यूज 30/5/2024 का ही है, जो कि आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग से संबंधित है। अभी यहाँ एक और बात है, कॉरपोरेट एक्शन में फाइनल डिविडेंड 7 रुपया है, जो कि एक्सपायरी डेट 12/7/2024 है। तो 12/7/2024 से पहले इस शेयर में 100% अप ट्रेंड बनेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। हो सकता है इस शेयर में अप ट्रेंड बनना कल से ही स्टार्ट हो जाए, आज भी बना है, और कल इससे ज़्यादा हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। बट सब लोग आइडिया ही लगा सकते हैं, कोई भी 100% श्योर नहीं है जो कि ये बोल सके कि हाँ कल के डेट में इस शेयर का प्राइस इस लेवल पे जाएगा। देखते हैं डिलीवरी पोजीशन। तो 10 जून 2024 16:00 बजे का अपडेट है, क्वांटिटी ट्रेडेड 11,01,949, जिसमें कि डिलीवरी में उठाया गया 3,65,225, डिलीवरी परसेंटेज 33.14% रहा, जो कि
काफी लो है डिलीवरी परसेंटेज। लास्ट में अगर सारांश बोला जाए तो ऐसा लग रहा है जैसा कि इस शेयर में बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड बनने वाली है, अब यानी कि शेयर प्राइस ऊपर की ओर जाने वाली है, क्योंकि 12/7/2024 को एक्सपायरी डेट है डिविडेंड का, जो कि ₹7 प्रति शेयर है। तो बहुत ही अच्छी डिविडेंड मिलने वाली है इस शेयर में। उसके हिसाब से इस शेयर का प्राइस लगभग लगभग कुछ ही समय में 180 और 90 के, यानी कि 180 और 190 के बीच में ट्रेड करेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।